जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 01408 लखनऊ जंक्शन पुणे त्योहार विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन और पुणे जंक्शन स्टेशन के बीच गुरुवार को चलती है। ट्रेन 15 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1475 किलोमीटर की दूरी लगभग 29 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सुबह 6:30 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 8:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट उरई स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 10:28 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट झांसी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन दोपहर 12:40 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बीना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन दोपहर 3:32 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट भोपाल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5:20 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट हबीबगंज स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5:43 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट होशंगाबाद स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 6:43 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट इटारसी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 7:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट खंडवा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 10:48 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट भुसावल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट जलगांव जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 1:23 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट मनमाड़ जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट कोपरगांव स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 4:48 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट अहमदनगर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 7:18 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट डॉन कॉर्ड लाइन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:23 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां और आखिरी हॉल्ट पुणे जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 10:50 पर पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। किराए की जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट टोटल ट्रेन इन्फो पर फॉलो करना न भूलें। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।